समस्या तो कोई सीमा ही नहीं है कितनी है। मैन हमारा मुद्दा है FCI का। FCI ने जमीन ली है कई सालों से ली है, जिसमें से गंगाराम जी राजस्व मंत्री थे उस टाइम गंगाराम जी ने आधी जमीन वापस दिला दी, आधी इन्होंने बोला कि थोड़ी बहुत FCI में खड़ी है जिप्सम है वो निकाल के हम वापस दे देंगे। उसके बाद में इन्होंने न तो हमारा कब्जा हमारा है जमीन में, FCI की जमीन में वहाँ पर हमारी जमीन में कोई जिप्सम नहीं है, अभी तक वो उन्होंने वापस नहीं दी। कई सालों से हम सकर निकाल रहे हैं, आज तक इन्होंने कहा दे देंगे, वापस नहीं दी। पहले भी 2 तारीख से 2 महीने 24 को हमारे हमने और थोड़ा सा बहिष्कार किया था यहाँ पर, तब इन्होंने बोला कि FCI को बुला करके हम आपको ज़मीन वापस दिला देंगे, मीटिंग रखेंगे और ज़मीन दिलाएंगे। इतना करके इन्होंने वापस वहाँ पर टुकड़े रोप के कब्जा करना शुरू किया, वो हमने रोपने नहीं दिया, थोड़ी जगह इन्होंने एक दो जगह टुकड़े रोपे। आज तक मेरे न तो वहाँ खनन है न बात है, इन्होंने जाँच कराई है, कई बार कलेक्टर साहब मौके पर आए हैं, वहाँ जिप्सम है नहीं, आधी जमीन बोल रहे। तब आज हमने बहिष्कार किया, इन्होंने बोला कलेक्टर साहब ने बोला कि पहले ये कलेक्टर साहब थे नहीं दूसरे थे, तब इन्होंने बोला कि आज हमारे को बताओ, और अब उन्होंने बोला कि हम उनको बुलाएंगे जांच कराएंगे। तो हमने कहा कि अगली जन सुनाई होगी, जब तक हमारी कार्रवाई हो गई तो ठीक है, नहीं तो हम धरना दे के हड़ताल करेंगे। और जल जीवन मिशन में भी हमारा एक उल्टी लाइन फिसा दी 8 किलोमीटर फिसाई, जबकि 3 किलोमीटर हमारी लाइन जा रही है, वहाँ 8 किलोमीटर इन्होंने पैसे की खातिर फिसा दी, वो भी अदबी से पड़ी है और 3 किलोमीटर जा रही है। और लाइट की ऐसी समस्या तो खूब है, मैन हमारे FCI की है, और पानी की बहुत भयंकर समस्या है, वो भी उन्होंने बोला कि ठीक है हम आगे कार्रवाई करेंगे।